नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक थाली तैयार करेंगे। इसमें हम देखिए कुंदरू का भुजिया बनाएंगे, ओल या सूरन है इसका हम सब्जी बनाएंगे, चावल बनाएंगे दोस्तों, और राहल और मसूर का मिक्स दाल बनाएंगे। चलिए पहले हम कुंदरू का भुजिया बना ले रहे हैं। देखिए कुंदरू को हम 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से हम धो लिए हैं। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए दोस्तों कुंदरू को हम देखिए इस तरह से दोनों तरफ से काट कर इसे पिलाई की सहायता से हम काट रहे हैं। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। इस तरह से हम 2 पीस कर लिए हैं। इसे हम इस तरह से देखिए इस तरह से हम पतला पतला देखिए एक कुंदरू का इस तरह से हम 6 पीस काटेंगे। ले रहे हैं दोस्तों, हम लोग इसे कुंदरू बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों सारा कुंदरू को हम काट लिए हैं, और देखिए 2 हरी मिर्च को भी हम कद्दूकस कर लिए हैं, 5-6 कलियां लहसुन को भी हम कद्दूकस कर लिए हैं। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें हम 3 बड़ा चम्मच हम तेल डाले हैं। देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा सौंफ और सरसों का फोरन डालेंगे। देखिए फोरन जल गया, इसमें एक लाल मिर्च को हम डाल रहे हैं। अब हम इसमें कुंदरू को डालेंगे। फिर हम 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों कुंदरू को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। कुंदरू का देखिए कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए दोस्तों लहसुन जो हम कभी कस करके रखे थे उसे डाल दे रहे हैं, हरी मिर्च को भी हम डाल दे रहे हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। देखिए दोस्तों लहसुन और मिर्च के साथ कुंदरू फ्राई हो रहा है। इसमें हम देखिए 1 चम्मच हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो कुंदरू पकने में बहुत टाइम लेगा, थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं। अब इसे हम ढक कर अब हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि कुंदरू पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ढक्कन हटाकर हम चेक कर रहे हैं। देखिए कुंदरू का भुजिया या सूखा सब्जी भी इसमें सबसे बनकर तैयार हो गया है। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए दाल को भी हम चढ़ा दे रहे हैं। तो हम पानी डाल रहे हैं, पानी आवश्यकता के अनुसार डालेगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। देखिए 2 बूंद इसमें तेल डाल रहे हैं, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। कुकर के ढक्कन को लगा दें। देखिए दोस्तों इधर हम चावल को भी हम धोकर पानी के साथ एक साथ चढ़ा लिए हैं। इसे हम ढक्कन ढककर पकाएंगे जब तक कि चावल पूरी तरह से पक ना जाए। दाल को भी चढ़ा दिए हैं 1 सीटी हम हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए दोस्तों ओल छीलते समय या तो हाथ में हल्दी और तेल लगा लीजिए, या तो ग्लव्स पहन लीजिए। देखिए हम प्लास्टिक लगा लिए हैं हाथ में, प्लास्टिक लगाकर इसी से छीलेंगे तो हाथ काटेगा नहीं, क्योंकि देसी ओल है। देखिए इसे पीस ओल को हम देखिए पीस पीस में हम काट लिए हैं। अब हम इसे छील ले रहे हैं।
इस तरह से प्लास्टिक पहन कर ही चाकू की सहायता से या तो पिदाई की सहायता से देखिए दोस्तों, इस तरह से हम सारे ओल को हम छील लेंगे। देखिए दोस्तों, सारे ओल को हम छील लिए हैं और देखिए इतना छोटा छोटा पीस में हम काट लिए हैं। आप छोटा बड़ा पीस अपने अनुसार से करिएगा। अब हम इसे 2 से 3 पानी से हम धो लेंगे। देखिए दोस्तों, ओल आप 2 आलू भी लिए हैं 3, इसे भी हम देखिए 2-2 पीस में काट लिए हैं और सारे को हम धो लिए हैं। अब हम इसमें देखिए 1 चम्मच हम नमक ले रहे हैं, 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम सरसों का तेल ले रहे हैं। इसे हम चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे दोस्तों। ऐसा करने से ओल, देसी ओल है जो काटता है वो कम काटेगा। इसे मिक्स कर दिए हैं, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। देखिए दोस्तों, ओल या सूरन का सब्जी बनाने के लिए देखिए 2 प्याज लिए हैं, इसे हम रफली काट लिए हैं, 2 टमाटर भी लिए हैं, देखिए 1 फुट लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक और 4 हरी मिर्च लिए हैं। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और देखिए 2, क्योंकि सूरन काटता है इसलिए इसको खट्टा के लिए हम 2 आम का खटाई दिए हैं। आप चाहे तो नींबू का रस या तो इमली भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, या अमचूर पाउडर है तो अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इस सारे मसाला को हम एक साथ मिक्सी में हम पीस लेंगे। मसाला को हम डाल दिया है इसमें। देखिए आम की खटाई को हम फुला कर इसे भी हम डाल दे रहे हैं और इसे हम पीस लेंगे। देखिए इधर चावल उबल रहा है, अब इसे लो करके धीरे धीरे हल्का सा ढक्कन खोलकर इसे हम पकने देंगे जब तक कि चावल पूरी तरह से पक ना जाए। देखिए दाल में भी 2 सीटी दे दिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, ओल को मैरिनेट करके रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए नमक डालने से देखिए ये ओल पानी रिलीज किया है। देखिए कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच हम तेल डाले हैं, तेल गर्म है दोस्तों। अब हम इसमें एक एक करके हम ओल को हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। जितना तेल है उसके अनुसार से हम इसमें ओल को डालेंगे। ऐसे आप चाहे तो दोस्तों इस ओल को आप उबाल कर भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओल दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए ओल और आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड बैच भी हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, सारे ओल और आलू को हम फ्राई करके निकाल लिए हैं दोस्तों। एक बार आप इस तरीका से अगर ओल का सब्जी आप बनाकर खा लीजिएगा तो आपको चिकन इसके सामने फेल हो जाएगा दोस्तों। कार्तिक महीना में तो दोस्तों हर कोई चिकन नहीं खाता है, तो आप ओल का सब्जी बनाकर खा सकते हैं। देखिए इस पानी को हम फेंक देंगे तो यही पानी है जो काटेगा आपको। देखिए मसाला भी हम पीस लिए हैं। देखिए दोस्तों, ओल को तलने के बाद देखिए तेल बचा हुआ है, इसमें हम और 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं क्योंकि मसाला को फ्राई करेंगे। तेल को हम गरम होने दे रहे हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, लौंग और जीरा का तड़का डालेंगे। देखिए दोस्तों, तड़का जल गया है, इसमें हम 1 चम्मच
हल्दी पाउडर डाल देंगे और हम मसाला को डाल देंगे। ऐसा करने से देखते मसाला कच्ची का बाहर नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एक चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। एक छोटा चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इस मसाला को हम देखिए जार को धोकर हम पानी भी डाल रहे हैं। इस मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। देखिए दोस्तों, मसाला से तेल अलग होने लग गया है। अब हम इसमें फूल और आलू को हम डाल दे रहे हैं। देखिए हम मसाला में मिक्स कर रहे हैं। एक चम्मच हम पानी डाल रहे हैं। इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और हम इसे भूजेंगे। देखिए दोस्तों, मसाला के साथ ओल को भूजते हुए ओल और आलू को भूजते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अगर कुकर में आप इसे उबालिएगा तो पानी कम डालिएगा। हम कढ़ाई में ही आज पकाएंगे दोस्तों। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ेगा। फिर इसे हम ढक्कन ढक कर लो फ्लेम पर हम पकने देंगे जब तक कि ओल पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें 1/2 चम्मच हम घर का बना हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक्कन ढक कर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ओल और आलू सॉफ्ट ना हो जाए और गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, चावल भी पक गया है। देखिए अब आपको हाथ से करके दिखा रहे हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसका मार को हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम दाल में तड़का लगा ले रहे हैं। देखिए एक चम्मच हम घी डाले हैं। घी में हम जीरा डाले हैं। इसमें हम एक लाल मिर्च को डालेंगे। इसे हम जलने देंगे जीरा को। दोस्तों घी का आप तड़का लगाकर देखिएगा, दाल का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। देखिए तड़का जल गया है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए इसमें हम तड़का डाल के ढक्कन ढक कर इससे इसका फ्लेवर दाल में ही रहेगा। देखिए दोस्तों, ढक्कन हटाकर हम चेक कर रहे हैं। देखिए ओल का सब्जी देखिए बनकर तैयार हो गया। ग्रेवी भी देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और 1 चम्मच हम घी डाल रहे हैं दोस्तों। इसे हम मिक्स कर देंगे। और गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। दोस्तों आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से ओल का सब्जी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सारा खाना बनकर तैयार हो गया। देखिए चावल भी बन गया है। देखिए दाल भी बन गया है। देखिए दोस्तों, ओल का सब्जी भी बन गया है। इसे आप एक बार खा लीजिएगा तो आप चिकन खाना भूल जाइएगा दोस्तों, इतना टेस्टी बनता है। देखिए कुंदरू का सब्जी भी बन गया है। अब हम दोस्तों थाली लगाएंगे। देखिए दोस्तों, थाली हम तैयार कर लिए हैं। देखिए कुंदरू का भुजिया, ओल का सब्जी, दाल, चावल, हरी मिर्च, आंवला का मीठा अचार। दोस्तों आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मेहमान का स्पेशल थाली बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कमेंट भी करिएगा, बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।
और हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।